संजय राय ने पूछताछ में जो बताया उसे 9 अगस्त की रात का पूरा सच अब सामने आ गया है। इस सच को पुख्ता करने के लिए सीबीआई ने पॉलीग्राफ टेस्ट कराया। आज तक के पास आरोपी संजय राय की पूछताछ की डिटेल्स हैं, जिनमें उसने एक एक मिनट का ब्यौरा दिया है। कई जगह सीसीटीवी से उसके दावों के बयानों की पुष्टि हो चुकी है। बयान के हिसाब से ही उसकी मौजूदगी भी दिखी है। पीड़िता पर संजय राय सेक्सुअल असॉल्ट के बाद उसका ब्लूटूथ क्राइम सीन पर छूट जाता है। वारदात के बाद संजय राय अस्पताल से सीधा कोलकाता पुलिस के 4th बटालियन में अनुपम दत्ता के घर गया था और सो गया था। सौरभ और संजय राय की सीडीआर लोकेशन से सभी लोकेशन पर मौजूद जो जानकारियां थी वो हासिल हुई। अरविंद ओझा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, यानी पूरा सच, एक एक मिनट की जानकारी अब सामने है। बिल्कुल, और ये आज तक पर हम पुख्ता जो सीधे जिन लोगों ने संजय राय से पूछताछ की थी उन अधिकारियों से जो हमें डिटेल मिली है उससे 9 अगस्त की रात का पूरा सच सामने आ गया है। और उसमें जो सबसे चौंकाने वाला खुलासा है कि 9 अगस्त को एक नहीं बल्कि 2 रेड लाइट एरिया पे संजय राय विजिट किया था, गया था अपने दोस्त सौरभ के साथ, लेकिन एक जगह पर भी उसने सेक्स नहीं किया था। ये पूरी टाइमलाइन हम अपने दर्शकों को बताते हैं। अर्पिता, सबसे पहले 9 अगस्त को 11 बजे सौरभ आर्जिकल अस्पताल बाइक से पहुंचा। अस्पताल में सौरभ का भाई एडमिट था, उसके पास वो जाते हैं और 11:15 पर दोनों अस्पताल से निकलते हैं। आर्जिकल अस्पताल से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर 5 पॉइंट एक इलाका है, वहां पर दोनों शराब पीते हैं और उसके बाद वही तय होता है कि वो कोलकाता के रेड लाइट एरिया सोनागाछी जाएंगे। बाइक से वो सोनागाछी जाते हैं, वहां बात नहीं बनती है, उसके बाद वो दोनों तय करते हैं कि अब वो दूसरे रेड लाइट एरिया चेतला इलाके में जाएंगे। सोनागाछी से जो चेतला रेड लाइट एरिया है, सोचिए 15 किलोमीटर दूर है, वो वहां से निकलते हैं और इसी बीच वो बीच में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करते हैं। छेड़छाड़ जब वो करते हैं वो पूरा सीसीटीवी कैमरे में कैद है। उसके बाद वो चेतला इलाके में जब जाते हैं वहां पर सौरभ सेक्स करता है लेकिन संजय राय नहीं करता है, और वहीं पर वो अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बातचीत करता है और उसके बाद न्यूड पिक्चर भी मंगवाता है। उसके बाद सौरभ वहां से निकलता है, संजय दोनों साथ निकलते हैं। उसके बाद सौरभ कहता है कि मुझे अपने घर जाना है। संजय राय सौरभ को अस्पताल में छोड़ देता है, सौरभ अपने भाई के पास चला जाता है। संजय राय सबसे पहले ऑपरेशन थिएटर 4th फ्लोर पर वहां जाता है और वहां कुछ तलाश करता है। जब उसे नहीं मिलता है उसके बाद वो सेमिनार हॉल में जाता है और पूछताछ के मुताबिक लड़की सो रही होती है, अचानक से नींद में उसका मुंह दबाता है, गला दबाता है, वो बेहोश हो जाती है, सेक्सुअली असॉल्ट करता है, उसके बाद वहां से निकलता है। लेकिन एक चूक हो गई थी, वहां ब्लूटूथ उसका छूट गया था। उसके बाद उसी आधार पर देखिए गिरफ्तारियां हुई। अरविंद, आप नजर बनाए रखिए। तो कोलकाता रेप और मर्डर केस की जांच सीबीआई ने अब आर्जिकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ दूसरा मोर्चा भी सीबीआई ने खोला। कल संदीप घोष के कोलकाता स्थित घर पर करीब 12 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन के बाद संदीप घोष के घर से निकलने से एक सीबीआई अफसर ने मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बहुत कुछ मिला है। हालांकि सीबीआई ने डिटेल बताने से इनकार कर दिया। कल सीबीआई ने संदीप घोष समेत 14 लोगों के घरों और दफ्तरों की तलाशी ली थी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कोलकाता में रेप और मर्डर केस की जांच का क्या हुआ। सीबीआई जांच के 12 दिन पूरे हो चुके हैं और कोई नया खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, जबकि मुख्य आरोपी संजय राय, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और 4 अन्य लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है। काम करेंगे, बाद में बता दीजिएगा सर। आपको बहुत कुछ है, बस बस इतने, प्लीज 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 प्लीज। काम करेंगे, बाद में बता दीजिएगा सर। आपको बहुत कुछ है, बस बस इतने, प्लीज 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 प्लीज। तो सवाल देखिए यही है कि 12 दिन से सीबीआई की ये पड़ताल चल रही है, आखिरकार क्या क्या अभी तक मिला और सीबीआई की जांच और सवाल क्या चल रहे हैं। क्या कोलकाता रेप मर्डर केस को सुलझा पाएगी सीबीआई, ये बड़ा सवाल है। टीएमसी ने जांच एजेंसी के रिकॉर्ड पर भी सवाल उठा दिए हैं। सीबीआई के मुताबिक क्राइम सीन से छेड़छाड़ हुई है। क्या छेड़छाड़ की वजह से सीबीआई को कुछ नहीं मिल पा रहा है? क्या सिर्फ बयानों पर निर्भर है सीबीआई की जांच?
क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया गया जिसका कोर्ट में कोई मायने नहीं है, लेकिन ठीक है एक एक कड़ियां जोड़ने की कोशिश जरूर यहां पर सीबीआई की तरफ से हो रही है। सीबीआई को एक से ज्यादा लोगों के शामिल होने का अंदेशा है, लेकिन अभी तक ऐसे कोई सबूत हाथ नहीं लगे हैं। सीबीआई को इस थ्योरी पर क्या सबूत मिले ये भी अब जानकारी हासिल करनी है। अब तक की जांच पर सीबीआई क्यों खामोश है, क्यों बड़ा खुलासा या बड़ी गिरफ्तारी या बड़ा नाम इस पर नहीं आया है, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। कोलकाता पुलिस ने जिस मेन आरोपी को गिरफ्तार किया था अभी सिर्फ उसी की गिरफ्तारी है, कल पॉलीग्राफ टेस्ट भी हुआ, लेकिन अभी कोई नया खुलासा या नई गिरफ्तारी नहीं हुई है। वारदात की कोई नई थ्योरी भी अभी तक सामने नहीं आई है। 12 दिन हो गए, संजय रॉय संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट जरूर हुआ है, उसी से कड़ियां जोड़ने की कोशिश हो रही है। आरजीकर अस्पताल के 4 और लोगों का भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया है जो उनके साथ उस वक्त डिनर कर रहे थे या अस्पताल में मौजूद थे। और इसके साथ ही साथ फिलहाल आपको बता दें कि पॉलीग्राफ में जो टेस्ट हुआ उसे कौन कौन गुजरा, संदीप घोष, संजय रॉय जो कि मुख्य आरोपी है, 4 अन्य डॉक्टर जो उस वक्त अस्पताल में थे और एक वॉलंटियर को भी वहां पर उसका भी पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया क्योंकि उससे भी बहुत सारे सबूत या जानकारी सीबीआई को मिलने की आशंका थी। वहीं अब 5 अपडेट भी आपको दे दें। अब तक देखिए 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है, इसमें मुख्य आरोपी जो है उसका भी पॉलीग्राफ टेस्ट कल संपन्न हुआ। वहीं करप्शन केस में 15 जगह पर छापेमारी हुई, संदीप घोष के ठिकानों पर तलाशी हुई, जब सीबीआई की टीम निकली तो बोली बहुत कुछ मिला है। अब देखना होगा कि आखिरकार क्या मिला। जांच पर टीएमसी ने सवाल उठाए हैं क्योंकि अभी तक कोई थ्योरी या गिरफ्तारी हुई नहीं, इसलिए अब ममता सरकार और प्रशासन ये पूछ रहा है कि भाई 12 दिन से सीबीआई कर क्या रही है। सीबीआई का संकेत काफी सबूत मिले हैं, ये संकेत जरूर है लेकिन अभी तक कोई नई थ्योरी या गिरफ्तारी नहीं हुई है। राजेश साहा हमारे सहयोगी की एक ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। लगातार 12 घंटा पूछताछ करने के बाद इस वक्त सीबीआई टीम निकल रही है संदीप घोष की जो मकान है, मकान में पूरे दिन भर आज सर्च ऑपरेशन करने के बाद छापेमारी की गई सीबीआई की टीम की तरफ से। इस वक्त सीबीआई की टीम निकल रही है जो बेलाघाटा में है, कोलकाता की बेलाघाटा में संदीप घोष की ये जो मकान आपको दिख रहा है, इस मकान के अंदर पिछले 12 घंटे से पूछताछ की गई। डॉक्टर संदीप घोष जो कि आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व अध्यक्ष है, उनके घर आज जो घोटाला की केस में, भ्रष्टाचार की केस में आज सुबह से उनको पूछताछ की जा रही थी। सीबीआई टीम दो अलग अलग सीबीआई टीम यहां आने के बाद संदीप घोष को दिन भर आज पूछताछ की गई। उनके जो घर है, उनके जो मकान है बेलेघाट एरिया पे, इस घर के अंदर सर्च ऑपरेशन की गई पूरे 12 घंटे से। और इस वक्त हम लोग देख सकते हैं सीबीआई की दोनों टीम अभी निकल रही है, एक टीम निकल गई है ऑलरेडी और दूसरा टीम जो पीछे है निकल रही है सीआरपीएफ के साथ साथ। सीबीआई के हाथ में काफी सारे डॉक्यूमेंट्स भी हम दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि उनके घर से, डॉक्टर संदीप घोष के घर से काफी सारे डॉक्यूमेंट्स बरामद की गई सीबीआई की तरफ से। लेकिन संदीप घोष बाहर निकलने के बाद ये दरवाजा खुला। आज सुबह हम लोग ने देखा कि सीबीआई की टीम यहाँ आने के बाद उन लोगों को इंतजार करना पड़ा क्योंकि 1 घंटा बाद संदीप घोष बाहर निकल के आया और ये दरवाजा खुल के सीबीआई टीम को अंदर लेकर गया।